हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मेरी तरह आप भी अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह कितनी सारी वाटर बर्ड्स आई हैं मेरी इस हाफ ड्राई लेक में, और आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी सारी वाटर बर्ड्स हैं। पेलिकन्स भी हैं, वाइट स्टॉक्स भी हैं, हेरन भी है, सब हैं आज एक साथ। तो कैसा लगा आपको ये देखकर, ज़रूर मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए मेरा बस चले तो मैं यहीं खड़ी रहूं घंटों तक इन लोगों को देखने। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह नेचर को एडमायर करना, और आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगता होगा ये सब चीज़ें देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वॉन्डरिंग जू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक भी दे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे कुछ बास्केट्स बनाई हुई हैं वॉन्डरिंग जू की, और वॉन्डरिंग जू का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है, यानी ये साल भर आपके गार्डन में यूं ही बना रहता है। बस थोड़ी सी आपको जो है इसकी केयर करनी पड़ती है समर्स में, तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो आप भी इसको बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, और ये आपके गार्डन की जो है ब्यूटी को बहुत एनहेंस कर देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने जो है यहाँ पे इनको वेस्ट कंटेनर्स में लगाया हुआ है, तो आप भी अगर चाहें तो कोई भी वेस्ट मटेरियल आपके घर में है उसमें आप इनको आराम से लगा सकते हैं, और इनकी छोटी से छोटी कटिंग्स आराम से लग जाती हैं फ्रेंड्स, और किसी भी मौसम में लग जाती हैं। और इसको जो है कोई स्पेशल पॉटिंग सॉइल भी नहीं चाहिए होता, आप किसी भी ऑर्डनरी सॉइल में भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालना है या वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस यही है कि जब हम पॉट में लगा रहे होते हैं कोई प्लांट, अगर वो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है उसकी ग्रोथ के लिए भी, और उसमें फिर पानी भी ज़्यादा नहीं ठहरता है, क्योंकि पॉट्स में पानी अगर ठहरने लग गया या ठहरने का डर रहता है तो उस वजह से जो है हमारे प्लांट्स को फंगस लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस प्लांट को ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो आप कहीं भी लगा दीजिए, ये बहुत आराम से चल जाता है। बस इतना ख्याल रखना है कि आप इसे डायरेक्ट सन वाली लोकेशन पर ना रखें। अगर आप इसे डायरेक्ट सन के नीचे लगाएंगे या धूप वाली लोकेशन रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे साथ हुआ है तो इसलिए आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, इस तरह सूखने लग जाएंगे और आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको जो है आराम से किसी भी शेडी लोकेशन पे रख सकते हैं, या जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो, या बहुत कम भी लाइट आ जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर भी आराम से चल जाता है। तो इसे आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, और ग्राउंड कवर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ग्राउंड को तो ये बहुत अच्छे से भर देता है। और देख सकते हैं आप इनके पत्ते कितने खूबसूरत हैं, कितना अच्छा वेरिएगेशन है ना, सिल्वर जैसा लगता है, सिल्वर और पर्पल का कॉम्बिनेशन है, और इसमें फिर पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आते हैं विंटर्स में, जिस तरह जो पर्पल हार्ट का प्लांट है उसी तरह इसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो ये हो, मैंने आपको सनलाइट बता दी कि आपने इसको जो है डायरेक्ट सन के नीचे नहीं रखना, पॉटिंग सॉइल आप वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल सॉइल में भी अगर लगाना चाहें तो ये लग जाता है। और फर्टिलाइज करने की बात करूं तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कभी आपको याद आ जाए तो आप इसके अंदर NPK का सोल्यूशन डाल दीजिए, या गोबर लिक्विड जो है हमारी गोबर खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दीजिए, बस इतना ही, या तो एक मुट्ठी या थोड़ा सा आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी मिला देंगे ना इसकी सॉइल में टाइम टू टाइम, तो उतना भी इसके लिए काफ़ी होता है। तो ये हो गई इसके फर्टिलाइज करने की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी वाटरिंग की, इसको सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा पसंद है, लेकिन सॉगी सॉइल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। अगर आप इसकी सॉइल में मॉइस्चर रहने देंगे, यानी इसकी सॉइल में पानी ठहर रहा है, तो ये प्लांट तो आपका चलेगा ही नहीं, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप देखिए इसकी स्टेम्स में आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, इस तरह बस यूँ टूट जाती हैं,
तो इसमें बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत डेलिकेट होते हैं ये प्लांट्स, तो ज़रा भी इनमें पानी ज़्यादा ठहरेगा इनकी सॉइल में तो ये गलने लग जाते हैं। और ये शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं तो इसी वजह से इनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो टॉप लेयर जो है अगर आप ज़्यादा टाइम तक अगर ड्राई भी रखेंगे तो फिर इनकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी और उस वजह से भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप चाहें तो बस ऊपर की टॉप लेयर को थोड़ा सा मिस्टिंग भी अगर टाइम टू टाइम करते रहे ना तो काफ़ी है, आपको ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। तो ये हो गई इसके वाटरिंग की, सनलाइट की, फर्टिलाइज़र की और सॉइल की बात। और अगर मैं आपको कहूँ इसके पेस्ट की बात, तो इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते, आज तक मैंने तो नहीं देखा इसमें कोई भी पेस्ट लगते हुए, बिल्कुल भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप चाहें तो 15-20 दिन में एक बार किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग्स, ये प्लांट जो है आराम से कटिंग से लग जाता है, इसमें कोई सीड्स नहीं बनते हैं। बस आपको छोटी छोटी इसकी कटिंग्स लेनी है और बस ये पॉट में, जैसे मैंने अभी ये नया पॉट ही बनाया है, 3-4 दिन पहले इसकी कटिंग्स लगाई थी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कटिंग लग भी चुकी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन कटिंग्स की हेल्थ से। तो इसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इनको कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं या कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे थोड़े 2-3 होल्स कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको कटिंग लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इससे स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है मैं यहाँ पे होल्स कर देती हूँ, एक यहाँ पे कर दिया, चलिए एक यहाँ पे कर दिया, चलिए जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस दिखे पॉट में आप वहाँ पे होल्स बना दीजिए छोटे छोटे और इसकी कटिंग्स लगा दीजिए, बहुत आराम से चल जाता है। ये देखिए यहाँ पर टर्टल वाइन की भी कटिंग मैंने फेंकी हुई है, डाली भी नहीं है, ये भी लग जाएगी आराम से। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग्स दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये कटिंग्स ले ली हैं, नीचे के पत्ते हटा दिए हैं और अब देखिए इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी चल जाती हैं वॉन्डरिंग क्यू की। तो इस तरह आपने इनकी कटिंग्स ले लेनी है और फिर आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने होल बनाया है, इसे बस दबा दिया थोड़ा सा अंदर और मिट्टी को आपने साइड से दबा देना है। ये देखिए बस इस तरह आप जो है इसकी कटिंग्स लगाएं और थोड़ी सी मिस्टिंग कर दें सॉइल के ऊपर, बस ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए सॉइल में, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा सॉइल में तो इसकी जो है ये स्टेम्स गल जाएंगी और आपका प्लांट नहीं चलेगा। तो बस इसी तरह आप भी वॉन्डरिंग ज्यू को लगाइए अपनी बगिया में और हैंगिंग बास्केट्स में तो ज़रूर आप इनको ट्राई करिए लगाना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये नीचे की तरफ ट्रेल करते हैं। और इनको बुशी बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस टाइम टू टाइम आपने इनकी पिंचिंग करते रहना है सामने से, बस ये ऊपर से आप इसकी टिप तोड़ दीजिए तो इसमें जो है और साइड से 2-3 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो इस तरह जो है आपका प्लांट बुशी भी बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगता है और एक कलर कॉन्ट्रास्ट भी देता है आपके गार्डन को, हरे हरे पत्तों के बीच में जब ये पर्पल और सिल्वर कलर की लीव्स दिखाई देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी वॉन्डरिंग ज्यू पे। तो बस यूँ ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्लांट्स की वीडियोस लाती रहूंगी और इसी तरह आप भी देखते रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।